नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मधुबनी के झंझारपुर में एसआई एसएचओ द्वारा एडीजे अविनाश कुमार पर हमला किया गया और इस मामले के साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के मामला और पुलिस प्रशासन को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी राय रखी है। इस पर उनका क्या कुछ कहना है, आप जरा सुनिए। सर, मैंने कहा विलंब बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए, ये लोग लूट लिया, ये लोग डकैत है, ये कहां कहां से बजा बजा के जानवर को लाया गया है, ये लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये लोग जानवर है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। बीजेपी राजभवन पे करिए कि राजभवन की गलती नहीं इस तरह की। बीजेपी राजभवन को गलती कर रहा है तो राजभवन में मोदी जी पूर्णित किया है तो मोदी जी को हटा दे, तो गलती तो मोदी जी की है जो नियुक्ति किया है। भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बारूपिया है, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है, वक्त आएगा तो पैर पकड़ लेगा, वक्त आएगा तो ठोंट भोंक देगा। बड़ा धुरफंदी आदमी है भैया हिंदुस्तान में। लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पर यूएमपीए है, कहीं पे एनएसए है, सरकार को क्या इनको भी विड्रॉ करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए, और सारा केस वापस होना चाहिए। मैंने तो कहा कि 302 का मुकदमा हो और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और शहीद का दर्जा हो। सर, बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ ऐसा, जब एसआईएसओ ने जज को मारा है सर उसके चैंबर में। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में कुछ मत कहिए, बिहार सरकार के मंत्री है, बिहार में कुछ हो सकता है। मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान बिल को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है भैया, हद हो गया। किसान को लेकर कौन दूल्हा का भाई दुल्हन का भाई, जो बीजेपी को खुश करने में लगा रहता है वही ना दूल्हा दुल्हन का भाई है। विपक्ष में कुछ लोग हैं, बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम, उन्होंने अपने सचिव पे ही आरोप लगाया कि वो हमारी बात नहीं सुनता। भैया यहाँ कोई ककरो बातें नहीं सुनता, एक के हीरो है यहाँ, दूसरा कोई नहीं, सब बेचारा है। कौन है, सब लाचार है, कौन है, वो एक ही लोग, कौन है। लोगों को नौकरी इस कोरोना काल में गई और जो हंगर इंडेक्स उसमें भी भारत का पोजीशन लगातार कर रहा है, हंगर इंडेक्स जो है भुखमरी उसमें भी भारत का आंकड़ा लगातार। पहले हम बोल दिए सर्वे यही कराता है, सब यही कराता है। तो आपने सुना कि पप्पू यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई बिहार की बात मत कीजिए, बिहार में कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं है, कानून की किसी भी तरीके से कोई पालन नहीं हो सकता है, इसलिए बिहार के बारे में हमसे आप कोई भी बात नहीं कीजिए। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के बारे में कहा कि यहाँ पर जो भी पुलिस में भर्ती हैं सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास बना हुआ है। साथ ही साथ पप्पू यादव बिहार के बारे में कुछ भी कहने के लिए भी मना किया है और कुछ भी पूछने के लिए भी मना किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।